मोहब्बत होती क्या है और इंसान की फितरत इसके साथ किस तरह से रिलेट करती है। लेकिन दिल के चार कोने होते हैं, ठीक है, और मोहब्बत भी जो है इंसान की फितरत है, चाहना और चाहे जाना, ठीक है। अब इंसान जब मोहब्बत करता है ना, तो एक्चुअली जिससे वो मोहब्बत करता है इनडायरेक्टली वो उसका गुलाम हो जाता है, उसकी बातें मानने पे मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होती है, एक माँ की अपनी औलाद से। माँ आधी रात को उठ के अपने बच्चे के लिए फीडर बनाती है कि नहीं बताती, क्योंकि बच्चे से मोहब्बत है, ठीक है। अल्लाह ने उसके दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो अपने बच्चे की खातिर आधी रात को भी उठती है, उसको फीड कराती है, उसका बिस्तर चेंज करती है, अगर वो गीला हो जाता है तो उसको साफ करती है। क्यों करती है? ताकि उसके बच्चे को सुकून हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मोहब्बत करने लग जाते हैं किसी भी शख्सियत से, तो इनडायरेक्टली या तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, या हम उसकी अताअत करने लग जाते हैं, या हम उसकी इत्तेबा करने लग जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात आपसे कही कि इंसान की फितरत है चाहना और चाहे जाना। या तो इंसान यानी कि वो उसकी फितरत है, वो मोहब्बत करेगा, ठीक है, और इंसान की ये भी फितरत है कि उससे भी कोई मोहब्बत करे, ठीक है, ये फीलिंग्स आना। तो अगर हम इस चीज में सबसे खूबसूरत रिश्ता देखें ना, तो वो अल्लाह और बंदे का है, ठीक है, अब्द और माबूद का है, माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं। अगर ये मोहब्बत, मोहब्बत तो होनी ही होनी है, वाई नॉट विद अल्लाह, वाई नॉट, ठीक है। और अगर अल्लाह के साथ हो गई, तो अगर रात को एक औरत जो है, जो कि एक माँ है अपने बच्चे के लिए, जो है वो फीडर बना सकती है, लेकिन वो सुबह फजर के वक्त नहीं उठती, वो इशा की नमाज नहीं पढ़ती, वो अपने बच्चे के खाने के वक्त वो वाले मुकर्रर कर देती है जो उसका नमाज का वक्त है, वो अल्लाह के हकूक में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, बच्चे के हकूक में नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा हो गई या अल्लाह से? ठीक है, अल्लाह की निस्बत बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा हो गई ना। अब अल्लाह इस मोहब्बत से इंसान को आजमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी गैरत वाला है। हज़रत याकूब अलैहि सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम से मोहब्बत की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको उसी मोहब्बत से आजमाना शुरू किया। और इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसके बाद, अल्लाह के बाद कौन है? अल्लाह का रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अताअत किसे कहते हैं? किसी की सजा और जजा का मामला आ जाता है अताअत में, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर हैं, वो मुझे डांटेंगी या वो नाराज़ हो जाएंगी, मैं उनके डर से उनकी जो है अताअत कर रही हूँ, उनकी फरमा बरदारी कर रही हूँ, इसको अताअत कहते हैं। एक होती है इत्तबा, इत्तबा होती है आप किसी पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उसकी तरह बोलना शुरू कर दें, आप उसकी तरह चलना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स किसी टीचर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली वो उस उस्ताद से मोहब्बत कर बैठते हैं, उनकी शख्सियत उस शागिर्द के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो बच्चा जो है उस्ताद के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, और वो चलना भी शुरू कर देता है क्योंकि वो उस पर्सनैलिटी को आइडियलाइज कर लेता है, ठीक है। हमारे लिए जो बेहतरीन उस्ताद हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर हम उस पर्सनैलिटी को आइडियलाइज कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी मुरझाए हुए लोग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हज़रत ज़ैद बिन हारिस के बेटे थे ना, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, तो मोहब्बत का ये आलम था सहाबा किराम का कि उसामा बिन ज़ैद बहुत छोटे से थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने, मतलब उनके पेरेंट्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गुलामी में दे दिया था। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हैं, वो एक दिन क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़े पसंद थे, तो शोरबे वाला सालन था, तमाम सहाबा के नाम बैठे हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आया वो शोरबे वाला सालन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कद्दू है वो टटोल टटोल के खा रहे थे ना, निकाल के खा रहे थे। तो जब उसामा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, तो उन्होंने भी उसी तरीके से जिस तरीके से नबी पाक सल्लम ने चमचा घुमाया, कद्दू टटोले और उसको प्लेट में डाला, उन्होंने भी सेम वही तरीका फॉलो किया, सेम टू सेम डिटो कॉपी।
इट मीन्स के इसको इत्तबा कहते हैं कि मोहब्बत का ये आलम हो कि आप किसी की तरह बनना चाहते हैं उसकी मोहब्बत में, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाती है। बेटा हमारी ज़िंदगी वैसी गुजरती है जिस तरह से हम किसी को भी आइडियलाइज करते हैं।